हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यूजिंग लॉग। मतलब हम लोग को लॉग का यूज करके उसको डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग का यूज क्यों करना है, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब टू एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स क्यूब हटा करके एक्स फोर करते हैं, टू एक्स प्लस वन रेस्ट पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री रेस्ट पावर फाइव इंटू एक्स माइनस फोर रेस्ट पावर थ्री बाई टू बाई सेवन। एक बहुत मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन ले लिया गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लॉग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका लॉग के थ्रू डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करना होगा, तो सिंपल है कि हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं और देन उसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि अगर ये फंक्शन दिया गया है तो हम क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। अगर हमने लॉग ले लिया तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ कंप्लीट फंक्शन एक्स रेस्ट पावर फोर टू एक्स प्लस वन रेस्ट पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री रेस्ट पावर फाइव एंड एक्स माइनस फोर रेस्ट पावर टू बाई सेवन ऑफ कंप्लीट पावर वन बाई थ्री, ठीक है ना। क्यूब रूट की वैल्यू वन बाई थ्री हो सकती है। चलिए लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये पावर से बाहर आ जाएगी, तो इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, वन बाई थ्री हो जाएगा लॉग। इन दिस केस ध्यान से देखिए, ये एम अपॉन एन का केस है, मतलब ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में कंडीशन आएगी, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स पावर फोर इंटू टू एक्स प्लस वन रेस्ट पावर थ्री बाई टू लॉग एम माइनस लॉग एन का केस हो जाएगा। तो इसे हम एन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस थ्री रेस्ट पावर फाइव हो गया और एक्स माइनस फोर रेस्ट पावर टू बाई सेवन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, लॉग एम अपॉन लॉग एन का केस कर दिया है। अभी भी चीजें लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर हो सकती हैं, ये लॉग एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो सकता है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन बाई थ्री कर सकते हैं, ये हो सकता है लॉग एक्स पावर फोर प्लस लॉग टू एक्स प्लस वन रेस्ट पावर थ्री बाई टू माइनस, इसके लिए लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस थ्री रेस्ट पावर फाइव माइनस लॉग एक्स माइनस फोर रेस्ट पावर टू बाई सेवन, ठीक है। अभी भी लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हम लोग पावर्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां से कंडीशन हो सकती है वन बाई थ्री टाइम्स लॉग, सॉरी फोर टाइम्स लॉग एक्स हो सकता है प्लस थ्री बाई टू टाइम्स लॉग टू एक्स प्लस वन हो जाएगा माइनस फाइव टाइम्स लॉग एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन सेवन लॉग एक्स माइनस फोर, ठीक है। मतलब यहां पे जितने भी फंक्शंस हो गए हैं वो लॉग एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये वैल्यू होगी लॉग ऑफ वाई। नाउ अब क्या होता है, सिंगल स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता है। लॉग वाई को डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री बाहर फोर कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है प्लस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू लॉग के केस में क्या होगा वन अपॉन टू एक्स प्लस वन आएगा इंटू टू एक्स प्लस वन की कंडीशन में टू आ जाना चाहिए माइनस फाइव टाइम्स लॉग के केस में वन अपॉन एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन वन होता है माइनस टू अपॉन सेवन लॉग के केस में वन अपॉन एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फोर का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। ये कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। मतलब अगर हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा वाई टाइम्स समथिंग, आपके पास जो वैल्यू आपने ब्रैकेट में ये लिख रखी है, ये पूरी वैल्यू आपके पास यहां पे आप लिख सकते हैं,
मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का, जो कि इसे बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर दिया गया लॉग को यूज करके। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन हो जाए तब हम लॉग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि अदरवाइज लॉग कब यूज करते हैं, तो अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ठीक है, तो ये हमने तो हमें लॉग को यूज करना है। तो जब भी फंक्शन, मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स, मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि वेरिएबल की पावर यहां पे क्या है बेटा, वेरिएबल है उसकी भी पावर क्या है, वेरिएबल है। अगर इस टाइप से फंक्शन दिया गया है इस केस में भी आपको लॉग यूज करना होता है। ठीक है, वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल है, मतलब एक्स का फंक्शन यहां भी है और एक्स का फंक्शन यहां भी है। तो ऐसे केस जब भी आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना होता है, लॉग यूज करना होता है। चलिए देखते हैं लॉग को यूज करके। अगर मान लीजिए फंक्शन दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने लिखा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर यहां बात करें तो लॉग एफ ऑफ एक्स रेस्ट पावर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा। Now, अगर देखें तो ये g ऑफ x इंटू लॉग एफ ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये log का फंक्शन हो गया और ये g ऑफ x इंडिविजुअल हो गया। मतलब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करेंगे। ये हो गया log y। Now, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो यहां पे आया वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आएगा g ऑफ x कॉन्स्टेंट, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एफ एक्स आएगा और एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ एक्स को कांस्टेंट रखा और जी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जी डैश ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स लिख दिया। चलिए बात होती है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करते हैं कि वाई को हम इधर लेके आते हैं, ये हो गया वाई, यहां पर जो आगे g ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस इसे लिख सकते हैं g डैश ऑफ x log f ऑफ x। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। मीन्स यहां पे y क्या था, y क्या थी f ऑफ x पावर g ऑफ x इन ब्रैकेट g ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x इंटू एफ डैश x प्लस जी डैश एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो ये एज अ फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ये एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब इन चीजों को समझते हैं, इसको और भी इजी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। इस वेरिएबल को हमने लिखा बेस और ये हो गया पावर, बेस ऑफ पावर। तो इसका मतलब ये है कि यहां तो वाई आ गया, फंक्शन आ गया, क्या आ गया वाई आ गया, मतलब बेस एंड पावर इंटू जी ऑफ एक्स क्या था बेटा, पावर था, डिवाइड बाय यहां पे क्या आ गया बेस आ गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, मतलब डी ऑफ बेस कर दिया हमने यहां पे लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस हो गया प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ पावर हो गई इंटू लॉग ऑफ बेस, क्या लिखते हैं लॉग ऑफ बेस लिखते हैं। तो आप इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, बेस पावर इन ब्रैकेट पावर अपॉन बेस डिफरेंशिएशन ऑफ बेस प्लस लॉग ऑफ बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। बात समझ में आ रही है, तो इसको हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे और एक प्रोसीजर के थ्रू भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हमें इस टाइप से करना है हमें दूसरा भी तरीका अप्लाई करके देखते हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है वो देखते हैं हम। तो क्वेश्चन कैसा है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया कि अगर y इज इक्वल टू, एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, x पावर x ले लिया हमने और इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के केस में क्या करते हैं, लॉग लेना होता है। तो पहला काम तो यह है कि हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू आ गया। देखिए अगर हमने लॉग ले लिया
तो लॉग x पावर x जाएगा और ये पावर बाहर निकल आती है, तो ये हो गया x इंटू लॉग ऑफ x आ गया, ये वैल्यू किसकी, लॉग y की होगी। नाउ ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके बाद हो जाएगा वन अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग x को डिफरेंशिएट किया तो हमने किया वन अपॉन x प्लस log x कांस्टेंट हो गया तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का क्या होता है 1 होता है, मींस ये कैंसिल आउट हो गया, dy by dx इसकी वैल्यू हो जाएगी y टाइम्स 1 प्लस log x, ठीक है, मींस y की जगह x पावर x 1 प्लस log x, ये होता है dy ओवर dx ऑफ x पावर x, मतलब x पावर x का डिफरेंशिएशन, ये बात समझ में आई है। अच्छा तो x पावर x का केस ऐसा अगर है तो एक जो हम लोग थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, x पावर x की पावर में भी अगर चीज चली जाती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया y इक्वल x पावर x दिया गया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, फिर से वही लॉग लिया जाए, अगर हमने लॉग लिया तो लॉग y इज इक्वल टू आएगा लॉग x रेस्ट टू पावर x, ये पावर इसका में x हो गई। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x पावर x को बाहर निकालेंगे, इनटू में क्या आएगा log x आएगा और यहां हो गया log y, ठीक है। अब भी देखिए पावर की पावर है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, अगेन हमें क्या करना चाहिए, log लेना चाहिए, तो अगेन हमने log ले लिया, अगेन log, तो यहां पे आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू आना चाहिए log x रेस्ट पावर x इनटू log x, बात समझ आ रही है, हमने दोनों के बाहर क्या लगा दिया, log लगा दिया। अब यहां पे आएगा m इनटू n का केस, m इनटू n, log m इनटू n का केस है, इसका मतलब हो गया कि हमने कर दिया log x रेस्ट पावर x प्लस log इन ब्रैकेट ऑफ log x। अब क्या हो सकता है, x बाहर निकलेगा, x log x हो गया प्लस log log x आ गया, ये हो गया log of y, ठीक। अब देखिए अब हम इसको बहुत सिंपल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट, अगर हमने इस log को डिफरेंशिएट किया तो इस log के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन log y, बात समझ आ रही होगी, इस log के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log y। अच्छा इस log की बात हो गई है, अब इस log के बारे में बात करते हैं, इस log का डिफरेंशिएशन y मतलब 1 अपॉन y हो गया, इस log का भी काम हो गया, अब बात आती है y, y के लिए dy by dx इज इक्वल टू, इस केस में आपको दिखता है प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का केस लगेगा, मतलब x कांस्टेंट हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो गया प्लस log x कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस कर देते हैं, इस log के केस के लिए ये आएगा 1 अपॉन log x आएगा, इस log के लिए 1 अपॉन log x, इस log का काम हो गया, इस log के लिए 1 अपॉन x आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, चलिए तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये x कैंसिल हो गया, मींस यहां से अगर देखें तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y, ट्रांसफर भी कर रहा हूं मैं, y log y इन ब्रैकेट आएगा 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो y को रिप्लेस कर सकते हैं, y की जगह x पावर x लिख सकते हैं, log y की जगह आप x पावर x इंटू log x लिख सकते हैं, तो आपको ये चेंजेस जैसा भी ऑप्शन दिखे या जिस टाइप से भी आपको करना हो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पावर चाहे जितनी भी लंबी हो जाए आपको क्या करना है, log लेते जाना है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए तो बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, तो अगर ये क्वेश्चन दिया जाए y इज इक्वल टू साइन x रेस्ट पावर x, अब हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बेस हो गया और पावर में क्या है, x है बेस ऑफ पावर, तो अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहें तो dy by dx इज इक्वल टू क्या होता है, बेस रेस्ट पावर पावर इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट क्या होना चाहिए,
ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, पावर अपॉन में बेस, बेस क्या साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, इसका डिफरेंशिएशन बेस क्या हो गया कॉज एक्स हो गया, प्लस नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट होगा लॉग ऑफ बेस, बेस क्या हो गया साइन एक्स हो गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो इसका डिफरेंशिएशन वन, मतलब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बात समझ आ रही है, साइन एक्स रेस्ट पावर एक्स आ गया इन ब्रैकेट एक्स इंटू ये कॉट एक्स हो गया प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद आया, फॉर्मूला क्या था, बेस पावर, फिर क्या था पावर डिवाइड बाय बेस इंटू डी ऑफ बेस प्लस डी ऑफ बेस प्लस लॉग ऑफ बेस इंटू डी ऑफ पावर, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, बात समझ आ रही है। अब बात होती है कि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमें लॉग लेके करना होता, क्या करना होता बेटा, लॉग लेके सॉल्व करना होता, तो हम क्या करते, सिंपल देखिए, अगर मैंने लिखा लॉग वाई, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स रेस्ट पावर एक्स है ही बाहर लॉग, अगर लॉग आ गया तो लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाता एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो जाता फर्स्ट और ये हो जाता सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड डिफरेंशिएट कीजिए, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन साइन एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स प्लस लॉग साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स को डिफरेंशिएट करते क्या होता वन आ जाता, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए था वाई इन ब्रैकेट ऑफ एक्स कॉज बाई साइन की मतलब कॉट एक्स हो सकता था प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाता, ठीक है। तो ये इस तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, बात करेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की। चलिए अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो कि हमारे पास कंडीशन दी गई है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेस्ट पावर हमने लिख दिया बेटा कॉज एक्स लिख दिया है और प्लस का टेन एक्स रेस्ट टू पावर हमने लिख दिया है एक्स, ठीक है। टेन एक्स पावर क्या लिख दिया है एक्स लिख दिया, तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे जो फंक्शंस हो गए हैं वो दो फंक्शन आ गए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि लॉग अगर हम बाहर ले रहे थे अभी तक तो लॉग प्लस पे काम नहीं करता है, लॉग हमेशा यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में और डिविजन के केस में, तो यहां पर प्लस के केस में लॉग ऑपरेट नहीं होता है। तो यहां पर के पास दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो यह है कि हम इन दोनों को एज्यूम कर लें, इन दोनों को क्या कर लें एज्यूम कर लें, या एक तरीका यह होता है कि अगर मान लीजिए कभी भी आपको फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए यहां पे दिया गया है साइन एक्स रेस्ट पावर कॉज एक्स दिया गया है, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रेस्ट पावर लॉग बेस ई साइन एक्स रेस्ट पावर कॉज एक्स, ठीक है। मतलब साइन एक्स पावर कॉज एक्स को हम इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही। तो पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसे यू और वी लेके सॉल्व करेंगे, पहला काम क्या करते हैं यू और वी लेके सॉल्व करते हैं और देन उसको देखेंगे दूसरे तरीके से भी। तो पहला फर्स्ट देखेंगे हमने क्या करना है कि इसको यू एज्यूम कर दिया, इसको लेट कर दिया यू और इसको लेट कर दिया वी, यू और वी एज्यूम कर दिया। अगर u और v एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो एक्चुअली u प्लस v हो गई, u प्लस v हो गई। हमारा काम है कि dy by dx निकालना, इसका मतलब है du over dx निकालना है और प्लस dv over dx निकालना है, इस चीज को ध्यान रखना है, du by dx एंड dv by dx निकालना है। चलिए तो बात करते हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट हुआ है वो u से स्टार्ट हुआ, u की वैल्यू क्या होगी साइन एक्स रेस्ट पावर कॉज एक्स हो गई, ठीक है। तरीका वही है, क्या करेंगे आपको आपको क्या करना है लॉग लेना है, हमने क्या किया लॉग ले लिया, लॉग यू इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस पावर बाहर आ जाती है और लॉग साइन एक्स आ जाता है,
ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड। अब डिफरेंशिएट करते हैं, वन अपॉन यू आएगा, ये डी यू आई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू आना चाहिए कॉस कॉन्स्टेंट हो गया लॉग साइन एक्स का, वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और साइन का कॉस एक्स आ जाएगा प्लस। इस केस में लॉग साइन एक्स कॉन्स्टेंट हो गया और कॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉस को, इसके बाद क्या होती है बेटा साइन एक्स होती है और माइनस करती है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ जाती है, इसका मतलब डी यू ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो यू के साथ आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा यहां पे यू की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना होगा, यू की वैल्यू क्या होगी साइन एक्स पावर कॉस एक्स होगी, ठीक। चलिए तो बात करते हैं हम, ये तो केस हो गया, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तरीका हम लोग एक काम करेंगे, इसी में सीखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। जैसे वी दिया हुआ है, तो वी जो दिया गया है दैट इज अ 10x रेज़ टू पावर x दिया गया है, हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग एक काम करेंगे, हम विदाउट लॉग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर लॉग नहीं ले रहे, कैसे करेंगे। वी इज इक्वल टू हमने लिखा e रेज़ टू पावर, इसे हमने लिखा लॉग बेस e 10x रेज़ टू पावर x लिख दिया, ऐसा हो सकता है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x इंटू लॉग बेस e 10x, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं dv ओवर dx, तो e की पावर का केस आपको पता है कि e की पावर x इज इक्वल टू e पावर x होता है, तो e पावर ये होगा x इंटू लॉग 10x, देन जो पावर में है उसे डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब d by dx x into log 10x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो केस है, ये केस तो एज इट इज है, ये केस यही तो है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10x raised to power x लिख सकते हैं, 10x raised to power x लिख दिया, यहां पे बाय पार्ट्स कर सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट किया तो log 10x का 1 upon 10x होगा और 10x का होता है sec square x plus log 10x, log 10x आ गया और x का डिफरेंशिएशन माना जाता है, मींस हमारे पास जो dv ओवर dx आ गया वो ये आ गया, तो यहां पे हमने log यूज नहीं किया, यहां पे log दोनों साइड में नहीं लिया, हमने log की प्रॉपर्टी यूज कर दी है, ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, तो हम दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक दूसरा मेथड आपको बता दिया, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। दोनों में से जो भी चाहिए आप उस टाइप से कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया है, डी वी बाई डी एक्स निकाल दिया है, मतलब ये है कि जो डी यू बाई डी एक्स है और डी वी बाई डी एक्स है, इन दोनों को हम उठा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को उठा करके हमें क्या करना है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, देन हमें मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, u, u का मतलब है sin x पावर cos x, ये हो गया sin x raised to power cos x हो गया, इन ब्रैकेट जो भी ये पूरा ब्रैकेट है, मतलब ये है cos स्क्वायर x अपॉन sin x है माइनस sin x इंटू log sin x दिया गया है, ये तो हो गया du by dx प्लस डी बाई डी एक्स, 10x रेज़ टू पावर x हो गया, इन ब्रैकेट x अपॉन 10x है इनटू sec स्क्वायर x हो गया प्लस log 10x आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो अगर डायरेक्ट आप करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान क्या रखना है कि कभी भी u और v दो अलग अलग फंक्शंस हैं तो आप सिंगल टाइम में नहीं करते, उनको क्या करना है अलग अलग सॉल्व कर लेना है, तो चीजें इस वक्त सॉल्व हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट लॉग यूज नहीं करना है, ओके। चलिए इसे आप कंप्लीट कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy / dx इफ x / y + y / x = a / b दिया गया है
ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल सा काम ये है कि हमारे पास जो दिया गया x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a रिश पावर d दिया गया, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हम x पावर y को लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमने लिखा e रिश पावर log x रिश पावर y, और बेस ध्यान रखिएगा e होता है यहाँ पर, प्लस इसको हमने लिखा e रिश पावर log बेस e y रिश पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू a रिश पावर b। अब a रिश पावर b को कुछ लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, a रिश पावर b क्या है कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। मतलब ये है कि हम इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं e रिश पावर x सॉरी y log बेस e x लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं e रिश पावर x log बेस e y इज इक्वल टू a रिश पावर b, नॉट डिफरेंशिएटिंग पॉसिबल, हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया, जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो e पावर x से क्या होता बेटा e पावर x का e पावर x होता था, e पावर y log बेस e x आ जाएगा इनटू जो पावर में है उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा y log x हो जाएगा इन ब्रैकेट प्लस, अब इसके बारे में बात करते हैं तो इसका भी एज इट इज रहेगा log y, और जो पावर में है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये e पावर x का फॉर्म हो गया, मतलब ये हो गया d by dx of in bracket x log y हो गया, और राइट हैंड साइड में जैसे दिखा वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब बात क्या करनी डी वाई बाई एक्स निकालना है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हमने लिखी थी ये वैल्यू किसकी लिखी थी, ये लिखी थी x पावर y की इन ब्रैकेट यहां फर्स्ट और यहां सेकेंड, तो अगर फर्स्ट को कॉन्स्टेंट रखा log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाता है, प्लस जब हमने log x को कांस्टेंट रखा ना तो y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सॉरी dy ओवर dx हो जाता है, प्लस इस केस में देखते हैं ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली y पावर x है, y पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट और अगेन सेकंड, फर्स्ट कांस्टेंट रखा log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और dy ओवर dx, प्लस जब log y कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सेट करते हैं, dx dy / dx यहां है और ये dy / dx यहां है, इसको एक साइड रखते हैं बाकी सबको क्या करते हैं राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, देखिए यहां से ये वैल्यू ट्रांसफर होगी उधर, तो यहां पर dy / dx देखिए ध्यान से dy / dx बचा क्या dy / dx का क्या आएगा x पावर y * log x है, x पावर y * log x हो गया, प्लस देखते हैं यहां पर dy / dx का क्या y पावर x है, तो ये y अगर ऊपर जाएगा तो y पावर x - 1 हो जाएगा, y पावर x - 1 * में क्या आएगा x आएगा * x होगा, ठीक है बात समझ आ रही होगी, ये हो गया dy / dx बाहर हो गया इज इक्वल टू में क्या आ रहा है इज इक्वल टू ये जो है y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा x की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब x पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y इंटू x पावर y माइनस 1 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो y पावर x इंटू log y होगा वो भी माइनस का होगा, तो इस माइनस को बाहर कर देते हैं और प्लस लिख देते हैं y पावर x इंटू log y, y पावर x इंटू हमने लिख दिया log y, y पावर x इंटू log y लिख दिया, मीन्स dy ओवर dx की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ y इंटू x पावर y माइनस 1 प्लस y रिश पावर x इंटू log y डिवाइड बाय x पावर y log x प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस का dy बाय dx ऑफ दिस फंक्शन, बात समझ आ गई है। तो इसको हमने क्या किया कि log u और v एज्यूम करके नहीं किया है, हमने डायरेक्ट स्टेप से सॉल्व कर लिया है, तरीका समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी e पावर अगर आपसे कहा जाए log x है तो इसका मतलब x होता है, इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, log का बेस क्या है e है, x इज इक्वल टू क्या होता है log e पावर log बेस e x की वैल्यू x होती है, इस फॉर्मेट को ही हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं, x पावर y की वैल्यू को क्या लिखेंगे e पावर log बेस e x पावर y, ओके।
तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पे थ्री कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेंदी होगा, तो हमें समझना ये है कि यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल अगेन वेरिएबल पावर वेरिएबल, इसे भी हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वाई इज इक्वल, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे, ई रेस्ट पावर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन x रेस्ट पावर x लिख दिया, इस वैल्यू को हमने लिख दिया, प्लस इसको लिखना चाहते हैं ई रेस्ट पावर लॉग x रेस्ट पावर 1 प्लस 1 अपॉन x लिख दिया, प्लस इसे लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर लॉग साइन x रेस्ट पावर हमने 10x लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करनी है कि हमने इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मींस हमने यहां पे क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स कर दिया, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ई पावर एक्स के लिए अगेन वही चीज आ जाएगी, एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना है कि जब हम एज इट इज वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको वापस उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, इन ब्रैकेट जो पावर में है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, और जो पावर में वो एक्चुअल में क्या है, वो x log 1 plus 1 upon x है, मींस क्या है, d by dx of in bracket x log 1 plus 1 upon x है। ठीक है, प्लस इसको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं, तो e पावर का केस सेम, तो हमने लिख लिया एज इट इज x plus x पावर 1 plus 1 upon x लिख लिया, मतलब यही चीज फिर से वापस रिपीट कर ली, पावर को डिफरेंशिएट करना होता है, मैं सबने लिख लिया यहां पर d by dx रेस्ट पावर क्या लिखेंगे हम इसे 1 plus 1 upon x log x, इससे हमें डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि पावर फिर से बाहर निकलेगी, इस केस में इसे हमने भी लिख लिया sin x पावर 10 x इन ब्रैकेट, क्या कहता है पावर बाहर, मतलब d by dx ऑफ ये हो जाएगा 10x into log, चलिए साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन सभी ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ये बन जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन x आएगी, पावर x आ जाएगा फर्स्ट एंड और सेकेंड, चलिए फर्स्ट को कॉन्स्टेंट रखा, लॉग का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x आ गया, इंटू जब 1 प्लस 1 अपॉन x करेंगे तो 1 का 0 हो जाता है, 1 अपन x का माइनस 1 अपन x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमने क्या किया लॉग 1 प्लस 1 अपन x को कांस्टेंट रखा है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं x पावर 1 प्लस x हो गया, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये मान लेते हैं सेकंड, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 1 अपन x स्क्वायर आएगा, लॉग x हो गया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया सेकंड कांस्टेंट, और बात करेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन x और फर्स्ट को हमने रखा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस बात होती है साइन x रेस्ट पावर 10x और इन ब्रैकेट अगर हम बात करें तो 10 फर्स्ट हो गया और log साइन x को हमने क्या कर लिया सेकेंड कर लिया, तो 10x को कांस्टेंट रखा, log साइन x का 1 अपॉन साइन x होता है और साइन x का cos x, ठीक है, प्लस log sin x कांस्टेंट हो गया और 10x से किया तो sec स्क्वायर x आ गया, बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब बात होती है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो चीजें बहुत इजी हो जाती है, 1 प्लस 1 अपॉन x रेस्ट पावर x आ गया, ध्यान से देखिएगा ये x प्लस 1 होगा और ये x ऊपर जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मतलब माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x आ गया और ये हो गया log 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया इन ब्रैकेट, प्लस ये हो गया x रेज पावर 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया। यहां पे आप देखें तो यहां पे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, x प्लस 1 हो सकता है, यहां पे कुछ भी होगा नहीं अरेंजमेंट, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया log x प्लस का 1 अपॉन x 1 प्लस 1 अपॉन x,
प्लस ये हमने लिखा साइन एक्स रेस्ट पावर टेन एक्स लिख दिया इन ब्रैकेट, ये देखिएगा ये कॉट एक्स है ये टेन एक्स है वन हो जाएगा, वन प्लस का वैल्यू आएगा लॉग साइन एक्स आ जाएगा और आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है देखिए वैल्यू किसकी होगी डी वाई बाई डी एक्स की होगी, बस समझ में आ रही होगी ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं लेकिन अगर आप इस टाइप की प्रॉपर्टी यूज करते हैं चीजों को आसान कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट मेथड है जो प्रॉपर्टी हमने बता रखी है डायरेक्ट मेथड का भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो ऑब्जेक्टिवली आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं स्कूल में आते हैं तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके चलिए इसे कंप्लीट कर देते हैं, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में।